दोस्तों यदि आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप ये बहुत ही बड़ी न्यूज लेकर आया हूँ। अब आयुष्मान कार्ड देता उनको भी बनेगा जिनका लिस्ट में नाम नहीं है। अभी तक क्या हुआ करता था दोस्तों, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम के तहत सिर्फ उन लोगों के आयुष्मान कार्ड बन रहे थे जिनके पहले से ही लिस्ट में नाम थे। ऐसे में बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 18 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक दोस्तों उन सभी के आयुष्मान कार्ड बनेंगे जिनका नाम है या नहीं है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कैसे आप आयुष्मान कार्ड बनवा करके मुफ्त में सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में फ्री में 5 लाख रुपए तक का साल भर में इलाज करा सकते हैं। यह दोस्तों स्कीम बहुत ही बेहतरीन है उन परिवारों के लिए जो गरीब तबके से आते हैं, क्योंकि अगर कोई भी बीमार होता है ना तो लाखों का दोस्तों खर्चा आता है और जो एक गरीब परिवार के लिए बहुत ही कठिन होता है। तो ऐसे में सरकार आयुष्मान भारत स्कीम चला रही है, तो पूरा डिटेल के लिए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलते हैं। तो दोस्तों पूरा अपडेट के लिए देख सकते हैं मैं जागरण की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और यहाँ पर पूरा डिटेल दिया है। आयुष्मान कार्ड आज से बनेगा आयुष्मान कार्ड, 18 से 31 जुलाई तक चलेगा विशेष अभियान, इन बातों का रखे ध्यान। बिहार में आज से आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। सरकार ने 18 से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों पर लाभार्थी आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। बता दें कि पटना जिला में 1,32,943 परिवार का कार्ड बनाने का लक्ष्य है। विशेष अभियान के तहत प्रत्येक दिन प्रति PDS दुकान 250 कार्ड निर्माण करना है। इसके बाद और डिटेल दोस्तों यहां पर दी गई है। पटना आयुष्मान कार्ड बिहार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से छूटे लोगों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड बनाया जाएगा। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर 18 से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। दोस्तों बिहार सरकार जैसे कि आयुष्मान कार्ड स्कीम चलती है उसी के तर्ज पर अपने राज्य की मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी चलाती है, उसी के तहत दोस्तों अभियान चल रहा है। और जितने भी आयुष्मान कार्ड से लोग छूट चुके हैं जिनका नाम नहीं था और आयुष्मान कार्ड नहीं बना था उनका मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कार्ड बनाया जाएगा। पटना जिला में 1,32,943 परिवार का कार्ड बनाने का लक्ष्य है। विशेष अभियान के तहत प्रत्येक दिन प्रति PDS दुकान 250 कार्ड निर्माण करना है। और भी दोस्तों देख सकते हैं डिटेल यहाँ पर रखी गई है। अब जो विशेष चीज़ें हैं वो क्या हैं जो आपको लेकर जानी है। पारिवारिक पहचान के लिए राशन कार्ड, एक व्यक्तिगत पहचान के लिए आधार कार्ड लेकर जन वितरण प्रणाली की दुकान पर पहुंचे। कार्ड बनने के बाद प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज कराया जा सकेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, आपको जब बनवाना है ना तो आप अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर के आप जो भी जन वितरण प्रणाली है उनकी दुकान पर पहुंचिएगा और वो आपका कार्ड बना कर देंगे, जिसकी प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए निःशुल्क इलाज बनाने का ये कार्ड जो है वो आपको बनाकर दे दिया जाएगा। तो ये पूरा आपको अपडेट मैंने बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर जो न्यूज़ दी गई है ना वो बिहार सरकार के लिए है। अगर आप किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्या उस राज्य में भी आयुष्मान कार्ड बिना लिस्ट के नाम के बनाए जा रहे हैं। हम आपको अपडेट करेंगे। हालांकि दोस्तों जो अपडेट हमारे पास था वो बिहार सरकार का था, तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप जल्द ही जाकर अपने कोटेदार के पास अपना आयुष्मान कार्ड आसानी से बनवा लें और उसे 10 मिनट में अप्रूवल भी मिल जाता है और उसे डाउनलोड करके आप मुफ्त का जो स्कीम है ये उसका लाभ उठाइएगा। अगर आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।